हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार करते हुए आप लोगों को आपकी सुनर सुबह आरआर ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मैं नहा के कपड़ा पहन के रेडी हो गई। तो मैंने खाना भी निकाल लिया है। देखिए आज क्या बनाया है। ये मैंने अपने छोटू सा डाइनिंग टेबल में अपना खाना लगा दिया है। आज क्या है, भिंडी भाजा और राइस। कल आप लोग को दिखाया था, ताज़ा ताज़ा भिंडी लाए थे बाजार से। तो भिंडी भाजा और राइस खा लेती हूँ, फिर निकलती हूँ जल्दी जल्दी से। तो हे गाइस, मैं पूरी तरह से रेडी हो गई और मैंने बैग भी ले लिया। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, पसीना पसीना अभी हो गया, पता नहीं सब पूरा दिन कैसे रहूँगी। तो चलते हैं अभी, आप लोग देखते रहिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं अभी जाती हूँ, उसके बाद आऊँगी तो आप लोगों के साथ बात करूँगी। हे दोस्तों, मैं आ गई हूँ और देखिए मेरे हाथ में क्या है, आज मैंने क्या लाया आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए, तो क्या लाया है आप लोग देखिए देखिए, रिंग पापड़ है। शाम को चाय के साथ खाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे बिस्किट उतना पसंद नहीं आता है, तो ये पापड़ से शाम को चाय पियेंगे। उसके बाद मैं क्या लाई देखिए, अंडा 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 अंडा। तो मैं आ गई यही सब बाजार करके लाई हूँ आज, क्योंकि सवेरे तो भिंडी भाजा और राइस बना के गई थी। तो अभी वही मैं खाऊंगी, सिर्फ एक अंडा बॉईल कर लूंगी उसके साथ खाने के लिए, तो अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा थोड़ा सा अंडा खाऊंगी तो। रोज रोज वही सूखा भाजा भात खाती हो, तो एक अंडा रहेगा तो खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं अभी थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, कंकी की मदद से आज फिर मैंने पंखा चालू किया है, क्योंकि बिना कंकी के ये फैन तो चालू ही नहीं होता है। तो थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को फोन कर। तो दोस्तों अभी है शाम का टाइम और देखिए, मैं जो दोपहर को लाई थी चाय के साथ खाने के लिए, वो मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, अच्छा लगेगा चाय के साथ खा के। और देखिए बाहर का हाल, पूरा तूफान आने वाला है, बहुत जोर से तूफान आने वाला है। देखिए आ गया है पूरा अंधेरा, देखिए कितना जोर से हवा आने वाला है, दे रहा है। अभी मेरी चाय बन गई है। रोज रोज रेड टी पीना पड़ता है, मिल्क नहीं है यहाँ पे, और पैकेट का मिल्क अच्छा भी नहीं लगता है। अभी मैं चाय निकाल लिया है और ये प्लेट पापड़ और ये कप चाय मैं अपने रूममेट को दे के आती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। ओ माय गॉड, लाइन चला गया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ करंट चला गया, बहुत जोर से तूफान आने वाला है, तो यहाँ पे करंट चला जाता है, पता नहीं करंट कब आएगा। तो आप लोग को मैं बाहर का नजारा थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो देखिए कितना भयानक दिख रहा है आसमान। तो देखते हैं, अभी तक तो बारिश नहीं आया है, ऐसे ही चमक रहा है और गरज रहा है, तो पता नहीं बारिश आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी मैं पापड़ और चाय, पापड़ खाऊंगी चाय पीऊंगी। हे दोस्तों देखिए, ये अलग सा लोकेशन है ना, क्योंकि मैं कहीं पे आई हूँ, और कहाँ आई हूँ मैं बोल देती हूँ, मैं मेरे रूम के, मैं जहाँ रहती हूँ वही एक रिलेटिव के घर आई हूँ। वो लोग गए थे मुझे लाने के लिए, बहुत ज़्यादा मौसम खराब था, लाइन भी नहीं है, तो उन लोगों के साथ मैं आई हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चिकन। तो चलिए चिकन बनाते हैं, चिकन और राइस खाएंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो चलिए चिकन बनाने की तैयारी करते। ये देखिए, ये चिकन है, लोकल चिकन, और इसमें प्याज डाल दूँगी। ये देखिए चिकन में मैंने प्याज डाल दिया है, उसके बाद आलू, यहाँ पे मैंने मसाला का पेस्ट बना लिया है, जीरा, मर्चा, प्याज और लहसुन आधा है इसमें,
तो ये भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। इसके बाद हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, मीट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, उसके बाद ऑयल और उसके बाद एक तेज पत्ता। देखिए कितना बड़ा तेज पत्ता है, एक तेज पत्ता से हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे तोड़ के ऐसे डाल दिया। और अभी इसको मैं, देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है, अभी इसको मैं हाथ से छानूंगी। और ये देखिए थोड़ा सा लहसुन की कलियां इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसको मैं ऐसे हाथ से छान लेती हूँ। कच्चा खाने को मन कर रहा है, इतनी खुशबू अच्छी अच्छी आ रही है ना, ऐसे कच्चा खाने को मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है सब देख के। ऐसे तो जब चिकन को मैं ऐसे मसाला डाल के छानती हूँ तभी मुझे खाने को मन कर रहा है। लेकिन कढ़ाई बैठा दिया है, अभी इस कढ़ाई को गर्म होने देती हूँ उसके बाद, और अभी तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल गरम हो गया है, अभी ये सूखा मरचा और तेज पत्ता यहाँ दे दूंगी अभी। उसके बाद ये चिकन डाल दूंगी तेल में, उसके बाद ये चिकन डाल दूंगी तेल में। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यम्मी दिख रहा है। अच्छी तरह से पकने के लिए इस ढकने के मदद से इसको ऐसे ढक देती हूँ, तो अच्छी तरह से ये पक जाएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे और एक चिकन बनाया है, ये लोकल चिकन है और ये बॉयलर है, तो ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे मैंने बॉयलर बनाया है, बॉयलर और लोकल चिकन दोनों बनाया, क्योंकि जहाँ मैं आई हूँ यहाँ पे एक छोटा भाई है, उसको लोकल अच्छा नहीं लगता है, बॉयलर अच्छा लगे, तो उसके लिए अलग से बॉयलर बनाया गया है। यहाँ पे चिकन बन रहा है अभी, और पकने के बाद आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए चिकन मेरी पूरी तरह से फ्राई हो गया है, तेल छोड़ दिया है, देखिए अभी अच्छी लग रही है देखने में ना। तो अभी चिकन तो मेरा पूरी तरह से फ्राई हो गया है, अभी इसमें पानी दे देती हूँ, और बहुत टाइम हो गया है, मुझे जाना भी अपने रूम अपने घर, तो चलिए इसमें पानी डाल देती हूँ। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया है, तो अभी चिकन में पानी डाल दिया है। देखिए गरम दालचीनी, इलायची, लौंग ये सब भिगो के रखा है, क्योंकि आप लोग को दिखाया था मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से लाइन चली गई है, तो इसको मिक्सी में नहीं पीस सकूंगी, इसको मैं अभी कूटना पड़ेगा मुझे, किस तरह से कूटूंगी आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए मैं अभी गरम मसाला कैसे पीसने वाली हूँ। यहाँ पे ये बेलना का चौकी है, तो इसमें मैं इसके मदद से कूटूंगी, तो चलिए पहले कूट लेती हूँ। तो अभी चिकन हो ही गया लगभग, अभी थोड़ा सा मैं नमक पेस्ट कर लेती हूँ, पता नहीं नमक कम ज्यादा हो जाता है, थोड़ा नमक और चाहिए होगा। और ये जो गरम मसाला मैंने कूट के रखी थी ये भी अभी डाल दूंगी जी। अब चिकन मेरी रेडी हो गई, कैसा लग रहा है देखने में। अब ये चिकन बनके पूरी तरह से तैयार हो गया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कल तो मैं वीडियो का एंडिंग नहीं दे पाई, मोबाइल में भी चार्ज खत्म ही हो गया था, एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई, तो ये वीडियो आज आने में टाइम लगेगा, क्योंकि कल तो कुछ कर नहीं पाया और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो आके मैं सो गई और सोची वीडियो का एंडिंग अभी कर देती हूँ। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं फिर से आऊंगी, तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।